खबरदार, सावधान, होशियार। बहुत ही जल्द दुनिया में एक खतरनाक वायरस की एंट्री होने वाली है। सबसे ज्यादा प्रभाव इसका भारत में देखने को मिलेगा और कहा यह जाता है कि ये वायरस कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। इस बार ये वायरस मूवी की शक्ल में सबके सामने आएगा और दो दिन पहले ही इस वायरस रूपी मूवी की अनाउंसमेंट हुई है। जैसे ही इस वायरस रूपी मूवी का अनाउंसमेंट हुआ है, तीनों लोगों में हाहाकार मच गया है। मनुष्य, देवता, किन्नर, गंधर्व, राक्षस सब त्राहिमाम पुकार रहे हैं। बंद करो हाथ जो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मी भी। मैं हूँ एकता जानी। अब आप ये सोचोगे कि भाई ऐसी कौन सी मूवी अनाउंस हो गई है। इंडियन सिनेमा को राजा का बेटा भले ही नंगा पैदा हो लेकिन कहलाता वो राजकुमार ही है और तेरे शरीर में उतना खून नहीं है जितना रवि कुमार एक दिन में मुद देता है, ऐसे सर्व गुण संपन्न डायलॉग देने वाले हिमेश रेशमिया उर्फ रवि कुमार की मूवी एक्सपोज, जिसमें डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे, स्टोरी राइटिंग भी उन्हीं की थी, गाना भी उन्होंने गाया था और म्यूजिक भी उन्होंने दिया था, जो आई थी 16 मई 2014 को, उसी दिन जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आया था और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। उस दिन मोदी लहर ने एक्सपोज को तो एक्सपोज होने से बचा लिया, लेकिन दाद देती हूँ मैं इस मूवी के प्रोड्यूसर को जिन्होंने इसकी सीक्वल अनाउंस कर दी है। खोपड़ी तोड़ जी हाँ, हिमेश रेशमिया उर्फ रवि कुमार एक्सपोज की सीक्वल लेकर आ रहे हैं। इस बार इसका नाम है एस रवि कुमार। पिछली बार की तरह इस मूवी में हीरो तो वही है लेकिन विलन के रोल में चुना गया है प्रभु देवा को। मतलब हिमेश रेशमिया ने ठान ली है कि प्रभु देवा का करियर बर्बाद करके ही मानेंगे। 11 अक्टूबर 2024 को रवि कुमार थिएटर्स में रिलीज हो रही है। उसी दिन इत्तेफाक से बिग बी का बर्थडे है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस वायरस से बचना चाहते हो तो उस दिन घर से बाहर ना निकले। और इस मूवी को 0 से लेकर 10 तक आप कितना रेटिंग करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। वैसे आप माइनस की तरफ भी जा सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।